हे फैमिली, आपने मसूरी का दो ब्लॉग तो देख ही चुके हो, मसूरी पार्ट वन, मसूरी पार्ट टू। तो क्यों ना आपको मसूरी पार्ट थ्री भी दिखाया जाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि मसूरी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। तो गाइस, यहाँ पर मसूरी भी हम सबसे ऊंचे पहाड़ पे गए थे, तो हमने सोचा कि ये वीडियो भी आप सभी के साथ शेयर किया जाए। तो गाइस, शाम के यहाँ पर बज रहे थे 6:30, और यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद फिर यहाँ से हम निकलते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं मसूरी की सबसे ऊंची पहाड़ी पे। यहाँ पर शाम को ही ज़्यादा अच्छा लगता है जाने में, कई लोग सुबह में भी जाते हैं, लेकिन सुबह में ऐसा होता है कि सुबह के टाइम थोड़ा धूप वगैरह होता है, तो ज़्यादा आदमी सही से इंजॉय नहीं कर पाता है, घूम नहीं पाता है। तो हमने सोचा कि दिन में तो हमने कमेटी फॉल वगैरह, कंपनी पार्क, ये सब हमने घूम लिया, तो शाम को हम चलते हैं सबसे ऊंची पहाड़ी और आप सभी को भी दिखाते हैं कि वहाँ से नीचे मसूरी कैसा दिख रहा है। तो गाइस, यहाँ पर बच्चों के लिए हमने मंगवाया था मैगी, और अपने लिए मंगवाया था मिक्स पकौड़े और चाय। तो यहाँ पर चाय वाय पीने के बाद फिर रेडी होते हैं और रेडी होके निकलते हैं घूमने के लिए, और देखते हैं शाम के टाइम मसूरी का शहर कैसा लगता है घूमने में। तो गाइस, हम यहाँ पर बच्चों को पहले नाश्ता वास्ता करा देते हैं, ताकि जाने में घूमने के टाइम ऊपर, क्योंकि टाइम लगेगा, बच्चों को भूख ना लग जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर चिंटू और आदि का थोड़ा बहुत तो लड़ाई चलते रहता है, हमेशा ही चलते रहता है। तो ये दोनों यहाँ पर लड़ रहे थे, मैंने बोला कि चलो बालकनी में जाके तुम लोग खा लो। तो यहाँ पर अदिति और आदित्य आ गया यहाँ पर खाने के लिए, फिर चिंटू भी आ गई उनके पीछे पीछे, मुझे भी जाना है बालकनी में। तो गाइस, यहाँ पर खाने के बाद फिर हम लोग रेडी होकर निकल जाते हैं, और ये है शाम का नज़ारा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी शाम के वही 6:30-7 करीब हो रहा है, और यहाँ पर गाइस शाम के टाइम सर्दी स्टार्ट हो गया था, इसीलिए हमने गर्म कपड़ों बच्चों के लिए ले लिया था, मैंने खुद के लिए भी ले लिया था, और चिंटू को तो मैंने जैकेट पहना ही दिया था, क्योंकि शाम के टाइम ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। और हस्बैंड जी भी शाम के टाइम अपना शर्ट पहन लिए थे, बोले कि नहीं सुबह में तो चलो टी शर्ट पहन के काम चल गया, लेकिन शाम के टाइम ठंडा लगता है। तो गाइस, यहाँ से फिर हमने रिक्शा बुक किया, और ये देख सकते हैं इस तरह के रिक्शा है वहाँ पर। हमारे दिल्ली में तो इससे चौड़ी रिक्शा होती है, थोड़ी बड़ी भी होती है। तो यहाँ पर हमने रिक्शा किया पहाड़ी की तरफ जाने के लिए, और एक रिक्शा का यहाँ पर चार्ज आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, चिंटू अपने चश्मा उसमें पहन के और जैकेट पहन के हो गई है रेडी, और हस्बैंड जी आ रहे हैं दूसरे रिक्शे में, और यहाँ पर मैं और अदिति और चिंटू तीनों जा रहे हैं एक साथ। तो गाइस, यहाँ से आप ऊपर की नज़ारा देख सकते हो, लग रहा है जैसे कि, मतलब जैसे हमारे यहाँ पर होता है दिसंबर और जनवरी में कि शाम के टाइम कुहासा वगैरह लग जाता है, वैसा ही यहाँ पर भी शाम के टाइम नज़र आ रहा था। लेकिन ये महीना है मई का, और ये ब्लॉग है, आपको मैं बता दूँ कि 5 मई का है, क्योंकि 6 मई का मेरा एनिवर्सरी था, तो हमने सोचा कि बच्चों को लेके क्यों ना घुमा दिया जाए, बाहर लेके जाते हैं। तो हमने 2-3 जगह तो स्टे कर चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम आए हैं पहाड़ी के ऊपर घूमने के लिए। और यहाँ पर टिकट लेने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन लगी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो गाइस, यहाँ से फिर हम लेते हैं टिकट, और हमारा वेटिंग था कम से कम 26-27 लोगों की बात था। तो हमने सोचा कि यहाँ पर टिकट लेके और थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठ जाते हैं और वेट करते हैं, और जैसे हमारा नंबर आएगा उसके बाद फिर हम चलेंगे। तो आगे के ब्लॉग में आप जुड़े रहें, और ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए यहाँ से करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट। जल्दी जाओ।
और गाइस आप यहां से देख सकते हैं मसूरी कितनी छोटी नजर आ रही है। इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं क्या बताऊं आपको, बिल्कुल जन्नत लग रहा था। जैसे कि हम माता वैष्णो देवी दरबार में जाते हैं और भैरव मंदिर से हम नीचे देखते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। मम्मी रुक जा, की फैमिली। तो अब हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए थे और इसे बंदूक से फोड़ना था, तो बच्चे खूब मज़े कर रहे थे। यहाँ पर पहला बारी चिंटू का था, उसके बाद अदिति, आदित्य, फिर हस्बैंड जी, फिर मैं भी आती हूँ और सब ने मिलकर यहाँ पर खूब सारा मज़े किया, गेम खेले। चलो खींच गया, नहीं मिस हो गया। इधर देखिए, पहले एक बार इधर देखिए, एक बार हटो, साइड होते जाओ, साइड होते जाओ, बिल्कुल साइड हो जाओ। वाओ आधी हटो, आधी चिंटू के पास जाओ। पकड़िए,
कितना प्यार आ रहा है। तेरे गिल्लियों को उठा लेते, आप क्या ड्रामा कर रही है, तेरे कालों को उठा लेते। पापा मैं तेरी धड़कन हूँ। चिंटू चिंटू कैसा लग रहा है, थक गई है लड़की बिल्कुल। हाँ तो गाइस हम घर आ चुके हैं, घर मतलब होटल आ चुके हैं, और अब खाना वाना खाते हैं और आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आदित्य यहाँ पर खाना लगा रही है, किसी में देती है, मर्जी आपकी। ये भी मेरा है। कौन सा चिकन है दीदी, वहां से लिया अभी। अभी ये इसके अंदर ही खा रही हूं, ठीक है रुक जाओ फिर आई हूं। ये भाई ये गले गई। 3 स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट रोटी से। तो आप सभी को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और ये देखिए चिंटू क्या लाई है, कॉपीराइट आ जाएगा क्या? कैसी लग रही है, सुलाओ उसको अब। नहीं अभी सरिया लेंगे। बाय बाय आदि, बाय करो, बाय करो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।